हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं आपके साथ शिफाली बग्गा। मेरे साथ कपिल जी और अतुल जी हैं। बाग क्रिकेट एक नए अंदाज में हम आपके लिए लेकर आए हैं। वक्त बदल गया है, 6 बजे आए हैं और इसी के साथ साथ बहुत कुछ बदला है। नेहा और लतिका भी आपको दिखेंगे एकदम नए अंदाज में। और जब मैं इतनी बातें कर ही रही हूँ कि वक्त बदल गया है कपिल जी और हमारे शो में बहुत कुछ बदलने वाला है अतुल जी, तो हम आपको ये भी बता दें कि आज आरसीबी और केकेआर का मैच तो है, लेकिन विराट भी कुछ बदले हैं। विराट कोहली का स्टाइल बदल गया है और मैं उनके हेयर स्टाइल या फिर कपड़े पहनने के स्टाइल की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ प्रॉपर क्रिकेट की। देखिए, अब विराट करेंगे धोनी वाला काम, फिनिशर बनकर करेंगे सबका काम तमाम। विराट कोहली ने इस आईपीएल में अब तक 2 अर्धशतक लगाए हैं और दोनों पारियों में वो धोनी की तरह खेले हैं। चेन्नई के खिलाफ उन्होंने 90 रन की पारी खेली, जिसमें से 50 रन दौड़ कर लिए। पहले 53 रन 39 गेंद पर बनाए, अगली 13 गेंद पर 37 रन बनाए। वहीं राजस्थान के खिलाफ विराट ने 72 रन बनाए, जिसमें से 40 रन दौड़ कर लिए। पहले 50 रन 43 गेंद पर बनाए, अगले 22 रन कोहली ने 10 गेंद पर बनाए। चेन्नई के खिलाफ कोहली ने बड़ी पारी खेली और अब किंग कोहली कर रहे हैं शारजाह में शतक लगाने की तैयारी। कोलकाता के खिलाफ विराट ने 24 मैच में 674 रन बनाए हैं, 1 शतक और 4 अर्धशतक भी लगाए हैं। विराट के आईपीएल में 5 शतक हैं और वो गेल के सबसे ज्यादा 6 शतक की बराबरी कर सकते हैं। विराट को 200 छक्के पूरे करने के लिए आज 3 छक्के लगाने हैं। विराट गेल, डिविलियर्स, धोनी और रोहित के बाद 200 छक्के पूरे करने वाले 5वें बल्लेबाज बनेंगे। विराट कोहली ने 6 मैच में अब तक 223 रन बनाए हैं 56 की बेहतरीन औसत से। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। विराट कोहली अब फिनिशर का भी काम कर रहे हैं और रन भी बना रहे हैं, मैच भी जिता रहे हैं अपनी टीम का। कैसा लग रहा है विराट कोहली का ये नया लुक कपिल जी? आई थिंक इनको ऐसा ही खेलना चाहिए कि कोई भी जो बड़ा प्लेयर होता है, आखिर की अगर 3 ओवर आते हैं, कोई भी नंबर 6-7 इनसे बेहतर नहीं कर सकता। हम मानते हैं मेन बैट्समैन अगर आखिरी के 3 ओवर तक रह सकता है तो वो 20 रन भी पर ओवर पिक कर सकता है। इसलिए इन सबको ध्यान देना होगा कि आप विकेट बचाएं, 1 के 2, 2 के 3 बनाएं और आखिर में आके जो आपकी 18-20 गेंदें रह जाती है, वहाँ पर आप जितने रन बटोरने चाहते हैं बटोर सकते हैं, क्योंकि बॉलर का माइंडसेट आउट करने में नहीं है, बॉलर का माइंडसेट है क्या मैं बच के निकल सकता हूँ, और बच के तो क्रिकेट से कोई नहीं निकल पाया। लेकिन कपिल जी, जो 5 ओवर में विराट कोहली का रौद्र रूप दिखाई दे रहा है, उसके बारे में क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन एक ही डर होता है कि आप आराम से खेल रहे हो, वहाँ पर विकेट कहीं आउट हो गई तो फिर प्रेशर बढ़ जाता है। इस समय बहुत बढ़िया, शायद कह सकते हैं कि अगर धोनी ने ऐसा शुरू किया था, उनके पास वो एबिलिटी थी बड़े शॉट खेलने की, वही विराट कोहली के पास है। आप इत्मीनान से खेलो, जल्दी ना करो, बाकी टीम को बोलो आप जोर से बड़े शॉट लगाइए, मैं हूँ ना, और मैं आखिर तक अगर खेलूंगा तो मैं सब कुछ कवर कर सकता हूँ। अतुल जी, कपिल जी ने विराट कोहली का कंपैरिजन अभी भी धोनी से भी किया, कैसा लग रहा है आपको ये विराट का नया? मुझे लगता है कि गलत है इस समय, क्योंकि अलग अलग रोल है दोनों का एक एक टीम में। अगर वो भी नंबर 3-4 के बैट्समैन होते तो मैं कहता वो विकेट कीपर, मेंटोर, कैप्टन, फिर बैट्समैन, और वो पोटेंशियल नहीं रहे हमें पता है। पर एक बात है, देखिए, एक बड़े प्लेयर की निशानी होती है कि बैड फॉर्म में। आप देखिए, विराट कोहली भी ये खुद एडमिट करेंगे कि उनका बेहतरीन टच नहीं है, पहले स्ट्रगल कर रहे हैं और इन पिचेस पे आप आते ही नहीं मार, कोई भी बड़ा भी प्लेयर नहीं आके मार रहा है। ऑड इनिंग आप खेल जाएंगे, पर आपको इस पिच पे थोड़ा सा आपको जो कैलिब्रेशन है, जो तालमेल है पिच का और आपके रिदम का बनाना है। पहले मैच में जल्दबाजी की, और दूसरी बात है सिचुएशन, अगर उनके ओपनिंग बल्लेबाज जल्दी आउट हो रहे हैं, एरन फिंच कुछ नहीं कर रहे, तो वो प्रेशर उन पे आ जाता है, तो उन्हें शीट एंकर रोल प्ले करना है। अगर ओपनर्स रन बना देंगे तो शायद वो और फ्रीली खेले, शायद उनका टच वापस आ जाए तो और बेहतर खेले। और उनके पास एक बड़ी बात है कि उनकी इंश्योरेंस पॉलिसी, उनको ये भी तसल्ली है कि पीछे एबी डिविलियर्स है, मैं कुछ नहीं किया तो ये बचा लेगा। पर फिर भी एज ए कैप्टन जब अपने अहम की बात आती है तो वो रगड़ के खेल रहे हैं, घिस के खेल रहे हैं, इज बैटिंग अगली, तो इसीलिए अगली बैटिंग से भी आप परफॉर्मेंस कर सकते हैं। लेकिन आपको ये वाला लुक कैसा लगा? अगली लगा बेटा? अगली नहीं, ये तो बताता है कि बड़ा प्लेयर है, क्योंकि आपको हमेशा एक ग्लैमरस और फ्लैम्बॉयंट नहीं बनना। अब सब जानते हैं क्या उनकी क्या कैपेबिलिटी है, कैसे मार सकते हैं, और जब नहीं लग रहे
तो वैसे मारने के चक्कर में आउट हो जाएंगे तो खराब लग रहा है, उनको खुद से लग रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो ऐसे मैं रगड़ के खेलूंगा, तो मैं परफॉर्म करूंगा, और एंड में क्या होता है आप स्कोर बोर्ड ही देखते हैं कितने रन बनाए, कैसे बनाए ये कोई नहीं पूछता। कपिल जी, आपको क्या लग रहा है विराट कोहली के क्या क्या टारगेट है अगर हम एज ए बैट्समैन बात करें? अगर वो नंबर तीन या चार आते हैं, उनका एक ही टारगेट होना चाहिए कि मेरे को पूरे ओवर खेलने हैं, और जब वो पूरे ओवर खेलेंगे और नॉट आउट आता है जब बैट्समैन, तो ऐसा प्लेयर है कि आखिर के तीन ओवर वो ये नहीं हो सकता मैं सिंगल लेके नॉन स्ट्राइकर एंड पे चला जाऊं। फिर वो कहते हैं कि सिंगल आ भी रहा है तो नहीं लेता, क्योंकि मेरे में छः मारने की क्षमता है। बड़ा प्लेयर कुछ ऐसे होते हैं जो बड़े शॉट नहीं लगा सकते, कल धवन ने करके दिखाया, आखिर तक खेलने की कोशिश, फिर आप अपना टेम्पो कभी भी चेंज कर सकते हो। और विराट कोहली में इतनी काबिलियत है कि अगर तीन ओवर में 50 रन बनाने हैं तो इससे बेहतर डिविलियर्स हो सकता है, ये हो सकता है, धोनी हो सकते हैं, चार पांच नेम है, तो उसका फ़ायदा उठाना चाहिए।